Hey guys, what's up? It's your Guri Verma. It's Anjana from Foodaholic. तो कैसे हैं आप लोग? Hope you guys are doing very well. अब तो मॉनसून भी आ गया है, यानी कि सावन का महीना. तो हम पूरा करनाल घूम फिर के आ चुके हैं नेहरू पैलेस. नेहरू पैलेस में हम आए हैं वीडियो बनाने. आज हम आए हैं नेहरू पैलेस में द चाट मास्टर्स एक्सक्लूसिव चाट अफेयर. इसकी लोकेशन है शॉप नंबर 43 नेहरू पैलेस कुंजपुरा रोड करनाल हरियाणा. है शॉप के मैनेजर. हेलो सर. हेलो सर, हाउ आर यू सर? व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज शुभम कुमार. एक्चुअली आप यहां के मैनेजर हैं? हां जी. तो मतलब आपको यहां पे कितना टाइम हो गया इस शॉप को? सर हमने ओपन की थी 11 अप्रैल को. 11 अप्रैल हां, तब से हम सर्व कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को और इन बेस्ट वे. And we have so many specialty in there, and we are serving like a clean food, totally hygienic food. And we have many specialty like chole bhature, puri sabji in breakfast, and pav bhaji as well. Pav bhaji also very yeah. वो आपने पहले comparison भी किया था उस चीज़ का. और अगर आप sweet dish में लगाओ तो हमारे पास mango बल्ला सबसे best होता है. हाँ, वो सबसे बेस्ट होता है हमारा. वो जरूर मतलब आप अपने व्यूअर्स को भी कहना कि वो ट्राई जरूर करें एक बार आगे यहाँ पे. हाँ, और आप देख ही सकते हो सर, जैसे मार्केट के सिटी सेंटर में ही पड़ता है यहाँ पे, तो इजीली आप कहीं से भी आ सकते हो यहाँ पे. ठीक है. हाँ, हम यहाँ पे अवेलेबल है. जोमेटो पे हमारा अवेलेबल नहीं है. अगर आप जैसे डिलीवरी चाहते हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमें थ्रू आवर नंबर्स, सो वी विल डिलीवर यू. सो जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है अभी, अगर कोई नहीं आना चाहता तो जैसे पब्लिक एरियाज़ में, हाँ हाँ, तो वी कैन डिलीवर देम. ठीक है. टाइमिंग सर हम सुबह 9 बजे ओपन करते हैं इसको और रात को 10 बजे हम क्लोज़ करते हैं. ये टाइमिंग्स रहेंगी. वीकेंड्स वगैरह पे सेम टाइमिंग रहेगी सर. और हाँ हाँ हाँ, और पूरी सब्जी है जो हमारी वो स्पेशलिटी है ऑन सैटरडे संडे, हाँ 9 to 4 वो अवेलेबल रहती है. एनीबडी कैन ट्राई. एंड वो देसी घी में बनती है प्रॉपर. हाँ, प्योर देसी घी में. ठीक है सर. तो ये है चाट मास्टर्स का मेन्यू. यहाँ पे लोकेशन भी दी हुई है और कॉलिंग नंबर भी दिया हुआ है. अब हम इसका मेन्यू देखते हैं. सबसे पहले है इनकी कोल्ड चाट. यहाँ पे वैरायटी आपको थोड़ी डिफरेंट मिलेगी, जो मतलब आपने कोई कोई नाम ऐसे होगा बिल्कुल सुना भी नहीं होगा. पानी पूरी ये तो सुना हुआ है. देखो, पानी पूरी, दही पूरी, दही बल्ला, पापड़ी चाट, सेव पूरी, भेल पूरी, राज कचौरी, टोकरी चाट. और प्राइजेस मेंशंस हैं. और सिग्नेचर चाट में ये स्पेशल है इनके मैंगो दही बल्ला, मैंगो पापड़ी चाट, दाल चाट, नाचोस दही चाट. और यहाँ पे हॉट चाट फूड है, टिक्की चाट है, दही आलू टिक्की चाट. आप देख लो, मतलब काफ़ी सारे आइटम्स हैं. और यहाँ की पाव भाजी बहुत ही टेस्टी है, जो हम पहले ही खा चुके हैं वीडियो में. हाँ, यहाँ पे डिजिटल मेन्यू भी अवेलेबल है, ताकि अगर किसी को नो कॉन्टैक्ट फूड डिलीवरी अपनी चाहिए तो उसमें आप मेन्यू देख सकते हैं. और वीडियो चलती रहती कैसे खाना. हाँ, मतलब उसको आपका मन ललचा सकता है उसको देख के. और यहाँ पे है कि आपके ऑर्डर के लिए आपको रो लगाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे आपका ऑर्डर नंबर आ जाएगा, जो प्रोग्रेस में है और जो रेडी है वो चीज़ आपको दिख जाएगी. और ये है यहाँ का किचन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन. हाँ, हाइजीनिक है. मास्क एंड ग्लव्स एंड सब कुछ, हेड कैप डाल के. अभी उतार है, फिर बोला नहीं जाता. और ये यहाँ की सेटिंग है. तो गाइज, हमने अभी डिसाइड कर लिया हमने अपने ऑर्डर में क्या करना है ऑर्डर. तो हम कोल्ड चाट में ऑर्डर करने वाले हैं सेव पूरी, जिसकी कॉस्ट है 50 रुपीज़. और गौतम का बहुत मन कर गया खाने का, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि ये कैसे तैयार होती है, कहते ये तो मैं पक्का ऑर्डर करूँगा, क्योंकि उसमें जो चटनियाँ डलेंगी और जो पापड़ी के ऊपर. और सेकेंड चीज ऑर्डर कर रहे हैं हम सिग्नेचर चाट में, मैंगो पापड़ी चाट. दही बल्ला. दही बल्ला करना क्या? मैंगो दही बल्ला. अभी तो पापड़ी चाट कर दी. वो सर ने बोला कि हमारा स्पेशल है. अच्छा, दही बल्ला स्पेशल है. अच्छा ठीक है, दही बल्ला कर रहे हैं भाई. मेरे को तो दोनों पसंद है वैसे, क्योंकि मैंने खाया नहीं अभी तक. और हॉट चाट में भी हम ऑर्डर करेंगे चना भटूरा. चना भटूरा ये मैंने सही. हाँ, इसके छोले भटूरे ढूंढ रही थी. चना भटूरा की कॉस्ट है 80 रुपीज़ और मैंगो बल्ला की कॉस्ट है 90 रुपीज़. Hey.
गाइस हमारा फर्स्ट ऑर्डर आ चुका है जो है सेव पूरी। संजना को पता क्या लगा, संजना को पता क्या लगा, ये ना गोल गप्पे के ऊपर कर रखा पर ये पूरी सेव पूरी है, मतलब पूरी नमकीन ली इन्होंने, मतलब सेव जो बोलते हैं इसको, इसके अंदर इन्होंने बहुत सारी वेजेज डाली, अलग टमाटर प्याज सब डाल दिए, उसके अंदर चटनी डाल ली, मतलब बिल्कुल हिसाब से, मतलब जैसे पता है इतना ही डलेगा, मतलब टैलेंटेड है पूरे। इसके नीचे है एक पापड़ी, उसे टेस्ट करते हैं। उठ जा, ये देखो ये नीचे पापड़ी, तो उसे टेस्ट करते हैं फटाफट। कैमरा जरा आगे ले आओ, ज़्यादा दूर नहीं। यार ये देखने में इतनी औसम लग रही है मुझे, और खाने में पता नहीं कैसी, इतना गजब टेस्ट है इसका, मतलब पूरा क्रिस्पी है, पापड़ी का भी टेस्ट है, सेब भी पूरे करा देते हैं, चटनी इनकी सरम मीठी चटनी देखती हूँ इनकी, इतनी गाढ़ी है ना, ठीक बोलते हैं ठीक इंग्लिश में, मतलब मज़ा ही आ गया। और ऊपर से इन्होंने प्रेजेंटेशन भी एक नंबर कर रखे, सना प्रेजेंटेशन दिखा दे, दिखा चुकी मैं इतनी बार और मैं इसको बार बार देख। संजना ने खाई अभी सेव पूरी, संजना आज तो कुछ बोल ही दे। इसमें सही में अच्छा है बहुत, मैं मुँह पे भी लग जाएगा नमकीन, इसमें नमकीन मीठा टेस्ट फ्रूट का वेजिस का सबका मिला के आ रहा है, जैसे गौतम ने बताया बहुत ज़्यादा करारी भी है, और इतना बड़ा पीस है एक पीस में, ऐसा लग रहा है कि कितना ज़्यादा खा लिया। सही बात है, एक एक प्लेट बंदा खाएगा ना, मतलब पूरी शायद ही खाई जाए इससे। को पापड़ी दिख रही है इतनी बड़ी, जैसे बेस लगाया हो पापड़ी का, और ऊपर ये सारा सेब और अनार धनिया सब कुछ मिनी पिज़्ज़ा सब बना दिया इसका, और मैं इसको दोबारा वीडियो में दिखाने वाली, पहले मेरा ऐसे हो गया था मुँह। तो हमारे लंच का टाइम भी हो ही गया था, तो हमने एक छोले भटूरे भी मंगवा लिए क्योंकि 1:30 बज गया, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जो चने हैं वो थोड़े मसालेदार हैं, मतलब स्पाइसी नहीं मसालेदार हैं, और अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है इसमें। गोल्डन कह रहा है जल्दी बोलो, इसके बाद मैं भी खाऊंगा, अच्छा लग रहा है क्योंकि भूख में तो और भी वैसे टेस्टी लगता है। भटूरे कैसे क्रिस्पी हैं? हाँ मतलब अच्छे हैं, बिल्कुल हल्के से नहीं लग रहे और टेस्ट अच्छा दे रहे हैं। हाँ और अभी अभी हमने सेव पूरी खाई है ना, तो सेव पूरी तो सही में माइंड ब्लोइंग थी। का मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। तो अब फाइनली मेरा मैंगो भल्ला आ गया है, जिसका मुझे कई सालों से इंतजार था। सालों से क्या, अभी 3 महीने में दुकान को खुला है। इसके ऊपर पहले बाकी छोड़ो, प्रेजेंटेशन देखो मेरे तो इसी से प्रेजेंटेशन, किशमिश हाँ मेरी फेवरेट ये रही, गौतम जैसी गोल मटोल, प्रेजेंटेशन से मेरा पेट भर गया है अब, पर मैं फिर भी खाऊंगा, मतलब जिसको बोलते हैं ना मन खुश कर दिया प्रेजेंटेशन ने, वो कर दिया कैसे उनकी, ये है मैंगो दही है ना, स्पेशल इसके लिए मैंगो दही डलती है, पर इनकी दोनों दही बहुत ही ज़्यादा ठीक है, मतलब मैंने देखा था उनको सर्व कर रहे थे ना जब डाल रहे थे उसमें,
एक नंबर लग रहा था मुझे। अब टेस्ट कर लेते हैं फटाफट, नहीं तो संजना कैमरा बंद कर देगी और हड़प लेगी मुझसे। ये आ गया मैंगो भल्ला बाहर। बस वाह, बड़े दिनों बाद मुंह से वाह निकला है। इधरा जल्दी इधरा, मेरे को दिखाना है इसको। मतलब बिल्कुल सॉफ्ट है, देखो भल्ला होता है इसमें, मतलब पापड़ी तो है नहीं। और इसके ऊपर जो इन्होंने मतलब बनाने के लिए का दिमाग देखो, जिसके ऊपर इसके ऊपर ये डाली है ना, क्या बोलते हैं इसको, बूंदी, बूंदी बोलते हैं ना, इससे ना बिल्कुल हल्का हल्का क्रिस्पी टेस्ट आ रहा है, क्रिस्पीपन, उससे मतलब टेस्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो गया है। एक किशमिश के साथ भी लेंगे हम चम्मच। पास मैंगो पल्प से बनता है। मैंगो पल्प से बनता है, संजना ने पूरी रिसर्च कर लिया है। मतलब टेस्ट इसका नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल है। इसको जरूर विजिट करके इसको जरूर ट्राई करें, ये मैं कह रहा हूँ। ये गुरी वर्मा की जुबान है। आपको टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, कमेंट करके बता देना कोई विजिट करेगा तो। इसका टेस्ट पता कैसा है, ज़्यादा चटपटा भी नहीं है, थोड़ा स्वीट टाइप पे है और बीच बीच चटपटा आ रहा है। और जो वो टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जिस चीज़ में टेस्ट मिल जाता है ना, मेरे को वो चीज़ बहुत पसंद आती है। मैं इसको आते जाते खाते रहूँगा। और मैंने तो सुना नहीं अभी तक करनाल में मतलब मैंगो भल्ला कहीं मिलता। और संजना तूने सुना है? हाँ तूने तो कहीं सुना होगा, तू तो एयरफोन लगा घूमती है। मतलब थोड़ी यूनिक आइटम है। तो गाइस हमने खा लिया अपने तीनों आइटम, और तीनों आइटम में एक तो मुझे सेव पूरी एक नंबर लगी, छोले भटूरे भी अच्छे थे। हाँ मतलब छोले भटूरे ना हम खाते रहते हैं, हमें मिलता है, पर सेव पूरी और जो ये मैंगो भल्ला था, सेव पूरी मैंने पता कहाँ देखे ज्यादा, फेसबुक की वीडियोस में। अब हमारे फेसबुक के वीडियो में भी आएगा रे छोटू। हाँ, जो यूट्यूब पे देख रहा फेसबुक पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे भी रील्स वगैरह आएंगी इसकी, तो उन्हें भी जाके फॉलो करो। स्लोमो देखकर अपना मन ललचाने के लिए देखे हमारे इंस्टाग्राम की रील्स। जो मैंगो भल्ला था ना, उसकी कटोरी में जो दही थी, हमने तो वो भी नहीं छोड़ी। वो ना सही में काफी थिक थी और प्योर होती है ना, जिससे उसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं होती, वैसे वाला था। बहुत थिक थी, ये नहीं हमारे लिए थिक थी, सबके लिए थी। हाँ सबके लिए वही, मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अच्छी, कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हाँ और रेट भी बहुत अच्छे हैं, मतलब इनके जायज रेट है। और अभी इनके आगे, अभी जैसे मेन्यू में थोड़ी आइटम थी, जो भी थी वो बेस्ट थी। अब आगे जो भी अगले मंथ भी काफी चीजें लॉन्च हो रही है, तो हम दोबारा आएंगे। हाँ मतलब जल्दी आएंगे, आपको भी जल्दी नई नई आइटम दिखाएंगे करनाल में। हाँ और भी जगह भी कवर करने पे यहाँ विजिट करके सेव पूरी और मैंगो वाला जरूर खाएं। तेरे कहने पे बिल गौतम से ले लेना, जो मेरे साथ आएगा मैं उसको बिल भी दे दूंगा। तो घर पहुंच जाना या इसको फोन कर लेना। तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जरूर आ जाएंगे। चल व्लॉग वीडियो एंड कर, आज के व्लॉग के लिए बस वीडियो, ओ सॉरी माय मिस्टेक, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले थर्सडे को। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो पसंद लाइक कर देना, ताकि आप लाइक कर देना। आज तो इतनी बड़ी आइटम दिखाई है, और कमेंट करके बता देना तीनों में से कौन सी ज़्यादा आइटम टेम्पटिंग लग रही थी। और लोकेशन बता दी हमने, दोबारा निपटाएंगे, रिमाइंड करके देख लो। तो मिलते हैं अगले थर्सडे को न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।